दो कॉफी डबल शुगर। कॉफी हाउस प्रस्तुत छे થોડીક મોજ, થોડીક મસ્તી, થોડીક વાતો અને થોડીક મુલાકાતોનો મંચ કોફી હાઉસ। શ્રોતા દોસ્તો નમસ્કાર। दोस्तों आप सभी को नमस्कार और आज के हमारे अतिथि को भी नमस्कार। आज हमारे साथ फिर से एक बार है ममता सिंह जी। ममता जी आपको नमस्कार। नमस्कार सर। दोस्तों ममता सिंह जी हमारे आकाशवाणी के साथ बहुत सालों से जुड़ी हुई हैं। उनकी कविताएं हमने बहुत अच्छी तरह से, हम उनको कविता के माध्यम से उनको बहुत अच्छी तरह से पहचानते हैं, लेकिन आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर उनसे बात करेंगे। ममता जी आप बच्चों के शिक्षण के साथ बहुत सालों से जुड़ी हुई हैं जी, और अगर हम शिक्षण की एजुकेशन की बात करें तो सबसे जो महत्वपूर्ण जो बात है वो नींव, यानी जो इसको हम बेस बोलते हैं वो है, तो उसके बारे में हम बात करते हैं। तो बच्चे के एजुकेशन की नींव के बारे में उनका इम्पोर्टेंस क्या है, कब से हमें शुरू करना चाहिए वो बात बताएं आप थोड़ी जी। सबसे पहले तो मैं आपको बधाई दूंगी इतने अच्छे विषय के चुनाव के लिए, और क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसा विषय है जिसके माध्यम से हम जीवन को समझ पाते हैं और जीवन में हम सर्वाइव कर पाते हैं जी। तो शुरुआत में हम कहेंगे कि प्री स्कूल की बात करते हैं। आपने बोला कि कहाँ से स्टार्ट होता है, तो वहीं से शुरुआत करेंगे। जब बच्चा, वैसे तो हम कह सकते हैं कि बच्चा जब माँ के पेट में आता है तभी से शिक्षा शुरू हो जाती है, सही बात है ना, क्योंकि जब बच्चा हमारा पैदा होता है तो वो सेंस ऑर्गन के साथ पैदा होता है, जिसमें उसके आंख होती हैं, कान होता है, उसकी त्वचाएं होती हैं, जिसे वो सुन सकता है, समझ सकता है, तो वहां से उसकी शिक्षा शुरू हो जाती है। लेकिन अगर हम औपचारिक शिक्षा की बात करें तो 2 से 6 साल के बच्चे के लिए जो स्कूल होता है उसको हम प्री प्राइमरी बोलते हैं, मतलब प्राइमरी के पहले जी, है ना, तो उसको हम प्री स्कूल कहते हैं। और प्री स्कूल में जब बच्चा 2 साल का होता है तो जाके वहां पर एडमिशन ले सकता है, अपना दाखिला ले सकता है। अब हमारे उसमें प्रश्न आएगा कि 2 साल के बच्चे को क्या जरूरत है, लेकिन मैं ये बताना चाहूंगी कि 2 से 8 साल तक का बच्चा जो होता है उसमें सबसे ज्यादा लर्निंग कैपेसिटी होती है, सबसे ज्यादा लर्निंग कैपेबिलिटी होती है, और इस चीज को हमारे रिसर्चर्स ने प्रूफ किया है। और 80% तक, 80% जो हमारा दिमाग होता है वो डेवलप हो जाता है जी, इस उम्र के दौरान जी। तो अब क्या है कि इस चीज को हमको कैश करना है, हमें अपने जीवन अच्छा सुदृढ़ और नींव मजबूत करने के लिए हमें इन सालों को यूज करना है, और इसीलिए हम इन सालों को फॉर्मेटिव ईयर्स कहते हैं जी, बनने की उम्र है ये, सही बात है जी। तो नींव जितनी मजबूत रहेगी उतनी इमारत भी मजबूत बनेगी, बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने कहा कि ये प्री स्कूल की हम बात कर रहे हैं, महत्व की बात आपने बताई कि ये फॉर्मेटिव ईयर्स है, लेकिन ममता जी एक सवाल ये भी होता है कि पहले तो हम इतनी जल्दी बच्चों को स्कूल में नहीं भेजते थे। बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। पहले क्या होता था कि बड़ा परिवार होता था जी, है ना, चाचा चाची होते थे और दादा दादी होते थे, और सबकी अपनी वहां पर वर्क डिवाइड होते थे जी, जी। कि दादी मालिश करेगी, है ना, तो एक टच थेरेपी मिलती थी, बच्चा वहां पे कनेक्ट होता था, और दादी सोते समय उनको कहानियां सुनाई, और कहानियां कैसी होती थी, मॉरल स्टोरीज होती थी कि आपको चोरी नहीं करना चाहिए, या फिर सपने दिखाते थे उस समय, क्योंकि हम तब चंद्रयान हमारा नहीं पहुंचा था वहां पे, तो हमने शायद वहां से कल्पना की है कि चंदा मामा दूर के, है ना, तो वहां हमारे दिमाग में आया तो आज हम जाके चंद्रमा तक पहुंचे हैं। तो वो क्या करते थे, एक इमेजिनेशन देते थे। अब बहुत सारे रिश्तेदार होते थे, बच्चा जाता था उनको बोलता था, ग्रीटिंग्स सिखाते थे, पानी देता था, उनको नमस्कार करता था। आज क्या है, आज 2-2 लोगों का परिवार होता है और ये सारी चीजें मिसिंग है। तो प्री स्कूल इसलिए बनाया गया है कि वहां पे जाके बच्चा सोशली डेवलप होगा, सामाजिक रूप से वो एक से ज्यादा बच्चों से मिलेगा, उनके साथ कैसा व्यवहार करना है, उनके साथ कैसे रहना है, उनके साथ कैसे खेलना है, और उनके साथ कैसा हेल्दी कंपटीशन करना है, ये सीखता है वहां पे। फिर आप दादी और दादा क्या है, अपना कल्चर बताते थे जी, है ना, कि हम ये क्या है कि हमारी एक पीढ़ी जब अपना कल्चर दूसरे पे पास ऑन करती है तो ही तो हम अवेयर होते हैं कि हमारा क्या संस्कार है, हमारी क्या संस्कृति है, तो वो सब चीजें उनको मिलती थी। तो आज उस चीज की कमी है
और इसलिए प्री स्कूल में बच्चे को डालना जरूरी है। अच्छा, अब ऐसा करते हैं ममता जी, हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, एक गाना अच्छा सा सुनते हैं, फिर हम बातें आगे बढ़ाएंगे। बिल्कुल। तो दोस्तों, फिर से कॉफी हाउस में आपका स्वागत। ममता जी, आपका फिर से स्वागत। हम बात कर रहे हैं बच्चे की शिक्षा के बारे में। अच्छा, आपने एक बहुत अच्छी बात बताई, जैसे एक एजुकेशन, अगर शिक्षण की बात करें, शिक्षा की बात करें, तो एक हमें जो फॉर्मल एजुकेशन जो स्कूल में मिलता है, दूसरी बात की आपने इनफॉर्मल एजुकेशन की। तो इनफॉर्मल एजुकेशन में अभी भी माता पिता का रोल तो इम्पोर्टेंट है, तो माता पिता का रोल क्या है, भूमिका क्या है उनकी? देखिए, जैसे जैसे परिवर्तन होता है जी, है ना, तो उसी तरीके से हर रोज परिवर्तन हो रहा है। पहले क्या है कि अगर हम अपनी बात करें या हमसे पीछे वाली पीढ़ी की बात करें, तो हमको बताया जाता था कि आपको ये विषय पढ़ना है और आपको ये जाके ये आपका करियर होगा और आप वो बन जाते हैं, और हम फिर ज्यादा नहीं सोचते थे, उसी में हम चले देते। आज क्या है, आज परिस्थितियां बिल्कुल अलग हैं। हम कहते हैं कि चाइल्ड जो है वो एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी है विथ इनफिनाइट पोटेंशियल। जी, उसके अंदर बहुत पोटेंशियल है। और हम क्या सोचते हैं कि अगर हम मैथ्स में अच्छे नहीं हैं तो बस हमारा करियर खत्म, या हम इस हमने साइंस नहीं लिया तो हमारा करियर खत्म। आज वो परिस्थितियां नहीं है, इस चीज को जाना है हमारे शिक्षा विभाग ने, इस पे रिसर्च की गई है। तो ऐसे बहुत सारे फील्ड दिए गए हैं कि आप कहीं भी जाइए, आप अपने पसंद का विषय पढ़िए और आप आगे जाइए उसमें। तो माता पिता का सिर्फ रोल इतना है कि बच्चे को वो क्या करें, उनको सहयोग करें। सही बात है, उनको सहयोग करें, ना कि उन पर प्रेशर डालें कि बेटा तुमको ये पढ़ना है, तुमको ये पढ़ना है। ये आज के समय में वो स्थिति नहीं होनी चाहिए। यानी बच्चे को हमें किसी भी बात की मजबूरी नहीं करना, नहीं उनको फोर्स नहीं करना है कि आपको यही करना है, यही नहीं करना है। बिल्कुल, उनको एक आप आकाश दे दीजिए, खुला आकाश दे दीजिए, फिर वो अपने आप अपना अपने पंख से वो उड़ता चला जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। और आजकल काउंसलर्स होते हैं, और क्या क्या अपडेट है, क्या क्या डेवलपमेंट है, ये सारी चीजें पेरेंट्स को बताई जाती हैं स्कूल में, और पेरेंट्स को ध्यान से सुनना चाहिए और उसको फॉलो करना चाहिए। और एक हम जो भीड़ चाल है उससे अलग हटके अपने बच्चे को आप ध्यान दीजिए, क्योंकि वो बहुत ही प्रेशियस बच्चा है और वो आगे जाके देश के लिए एक कर्णधार होने वाला है, और देश में देश का नाम ऊंचा करने के लिए उसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका होगी। तो पेरेंट्स को उसका साथ देना है। अच्छा, एक आपने बताया कि हर एक बच्चे में असीमित क्षमता होती है। जी हाँ, बिल्कुल। तो हमारे बच्चे में क्या क्षमता है वो हम कैसे पहचान करेंगे, क्योंकि आप इतने सालों से बच्चों के एजुकेशन के साथ जुड़ी हुई है, तो आप कुछ बताएं हमें। बहुत बढ़िया, ये मैं आपको बताती हूँ कि एक शब्द होता है, एक वर्ड होता है, मल्टीपल इंटेलिजेंस। जी, मल्टीपल इंटेलिजेंस 8 प्रकार के होते हैं, है ना। और हर बच्चे में, अगर कोई बोलता है कि हम क्रिएटिव नहीं हैं, हम गाना नहीं गा सकते, हम डांस नहीं कर सकते, और हम ड्राइंग नहीं कर सकते, या फिर हम मैथ्स नहीं कर सकते, या हमें हिंदी नहीं पढ़नी है, तो आप मत पढ़िए। उसमें जो मल्टीपल इंटेलिजेंस है, 8 काइंड ऑफ इंटेलिजेंस जो होता है, उसमें 3 से 4 तक जो है इंटेलिजेंस वो डोमिनेटिंग होती है। अच्छा, हाँ। अब प्राइमरी स्कूल की यही खूबसूरती है कि प्राइमरी स्कूल पास करते करते टीचर और पेरेंट को पता चल जाता है कि माई चाइल्ड इज गुड इन दिस। अच्छा, आप थोड़ा तहसील से बताएंगी कि कौन कौन सी जो 8 प्रकार की इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, उसका थोड़ा एक दो एग्जांपल आप बिल्कुल देती हूँ। जैसे सपोज करिए, जब प्री स्कूल में बच्चा जाता है तो वहां पे कॉर्नर्स बनाए जाते हैं। जी, है ना। और कॉर्नर्स में हम एक ABCD का अल्फाबेट का कॉर्नर बनाते हैं, और एक हम ब्लॉक्स का बनाते हैं, है ना, और एक हमारे एक कॉर्नर होता है ड्राइंग का, है ना, और एक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट का होता है। इसी तरीके से कई
8 इंटेलिजेंस के तरीके से कॉर्नर सेट किए जाते हैं क्लासरूम में। अब सपोज करिए 5 बच्चे घुसते हैं क्लास में एक साथ और 3 बच्चे सीधा जाके म्यूजिक कॉर्नर में घेर लेते हैं। अच्छा, क्या बात है। तो क्योंकि वो और छीना झपटी करते हैं कि मुझे ये बजाना है वो मजा बजाना है। तो ये एक बात तो पता चल जाती है कि इसका रुझान किधर है। और वहीं पे एक बच्चा चुपचाप जाता है, ब्लॉक्स के साथ खेलने लगता है, उसको असेंडिंग में करता है, उसको डिसेंडिंग में करता है। ये तो यहां से हमें पता चलने लगता है। फिर जो सिलेबस होता है वो फर्दर आगे बढ़ता जाता है, नेक्स्ट क्लास में उसको और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट किया जाता है, फिर उससे और ज्यादा कॉम्प्लीट किया, और तब तक 3 या 4 साल में उनको पता चल जाता है कि माय चाइल्ड इज गुड इन दिस। अच्छा, ये तो यानी एक हमें दिशा पता चल जाती है, फिर वही दिशा में हमें बच्चे को ले जाना है। जी, और जैसे कोई बच्चा चुपचाप बैठ जाता है तो वो थोड़ा सा थिंकर टाइप का होता है। और आपने सुना होगा कि बहुत सारे पेरेंट बोलते हैं कि ये एक जगह बैठते ही नहीं है। वो हाइपर एक्टिव बच्चा जो है उसको इस तरीके का, जैसे स्पोर्ट्स में डालिए आप, सही बात है, उसको डांसिंग में डालिए आप, जहां पे फिजिकल एक्टिविटीज होती है तो वो बहुत अच्छा करेगा वहां पर। ये बहुत बढ़िया बात बताई ममता जी। फिर से कहता हूं, एक छोटा सा विराम लेते हैं, एक अच्छा सा गाना सुनते हैं, फिर बातें हम आगे बढ़ाएंगे। ये दिल और उनकी निगाहों के साए, ये दिल और उनकी निगाहों के साए, ये दिल और उनकी निगाहों के साए, मुझे घेर लेते हैं बाहों के साए, मुझे घेर ले है। तो दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है कॉफी हाउस कार्यक्रम में। ममता जी, आपका फिर से स्वागत है। हम हमारी बातें आगे बढ़ाते हैं। हमने बात की बच्चे की शिक्षा के बारे में, जो हम नींव की बात करते हैं, जो बच्चे की नींव जो बनती है उसके बारे में हमने बात की। अब जमाना थोड़ा बदल गया है, उसके बारे में भी बात की। अच्छा, आपका ऑब्जर्वेशन क्या कहता है? एक ऑब्जर्वेशन ऐसा है कि हम सभी ऐसा मानते हैं कि आज के बच्चे बहुत ही स्मार्ट है, जो नई पीढ़ी है बहुत ही स्मार्ट है। बिल्कुल, आपका ऑब्जर्वेशन, आपका अवलोकन क्या है? बिल्कुल, और जिसकी हमने शुरू में ही बात करी थी कि बच्चे का दिमाग बहुत एक्टिव होता है इस समय। तो यहाँ पर पेरेंट की जिम्मेदारी क्या होती है, क्योंकि बच्चा क्या है, इमिटेट करता है जी, बंदर होता है जी, जो देखेगा वो बच्चा करेगा। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि आप अच्छा एक्ट करें उसके साथ जी, है ना। जैसे मैं अभी आ रही थी तो मैंने देखा कि कुछ बच्चे बगल में बैठे थे और पेरेंट गाड़ी रेड लाइट पार कर रहे थे। तो अब बच्चे के दिमाग में क्या आएगा बताइए, कि ये कर सकते हैं। हाँ। या फिर आप मोबाइल चलाते हैं ड्राइव करते समय, तो बच्चे वही देखेंगे और उनको लगेगा ये नॉर्मल है। तो कल जब वो देश के लिए काम करेंगे तो वो रूल तोड़ने वाले बनेंगे ना। और एक चीज ये है कि आप फाउल लैंग्वेज ना यूज करें जी, है ना। और आज जो हम बोलते हैं ना कि इस समय की जो आवश्यकता है, बच्चों को प्रैक्टिकल ज्ञान दें, अपने आसपास बताएं कि हमारे आसपास कितने पेड़ हैं। अगर आपको काउंटिंग सिखानी है तो बच्चों को वहां ले जाएं, पेड़ गिनवाएं, वहां से काउंटिंग करवाएं आपको, और उनको प्यार करना सिखाएं, उनको मोहब्बत देना सिखाएं, और इस तरीके से उनको वातावरण से जोड़ें, पर्यावरण से जोड़ें। क्योंकि आपके पास 8 साल तक ऐसा है कि जो आप अभी आप सिखाएंगे वो बच्चा जिंदगी भर उस चीज को कैरी करेगा और वो बहुत अच्छा इंसान बनेगा अगर आप सिखाते हैं। ममता जी, यही बात के संदर्भ में एक और बात कहना चाहूंगा कि बहुत सारे माता पिता शिकायत करते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ते नहीं है, हमारे बच्चे टीवी या मोबाइल पर ज्यादा वक्त बिताते हैं, तो यही बातों का कनेक्शन क्या है? हाँ, ये भी बहुत अच्छा वो है, क्योंकि आजकल का आपने जैसे बोला परिवर्तन का जमाना है, और बीच में जब कोविड आया था तो सब चले गए थे ऑनलाइन में, है? तो वहां पे भी ऐसे बहुत ज्यादा कंटेंट हैं जो आप दिखा सकते हैं। जैसे आप स्टोरी सुनाइए, ऐसा कंटेंट हो कि बहुत ज्यादा मोबाइल से आपकी आंखें खराब हो सकती हैं या कुछ है, तो बच्चा हो सकता है उसका धीरे 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 इंटरेस्ट उसमें कम हो जाए। और उसको जैसे कि मल्टीपल इंटेलिजेंस की हमने बात की, ड्राइंग की बात की, म्यूजिक की बात की, फिजिकल एक्टिविटी की बात की, तो एक 1.5 घंटे का टाइम है उसको जरूर ले जाएं, जो भी उसका इंटरेस्ट
हो तो वहां पे क्या है उसकी एनर्जी रिड्यूस होगी। जब रिड्यूस होगी तो बहुत सेटल हो जाएगा बच्चा और बहुत अच्छी तरीके से वो आपका कहना सुनने लगेगा और आप जो कहेंगे उसको सच्चा मानने लगेगा। यानी एक हम बात और भी कह सकते हैं कि अगर हमें बच्चे को रीडिंग की तरह हमें ले जाना, यानी उनको जो पढ़ने की एक आदत हमें उनको इनकलकेट करनी है, तो माता पिता की जिम्मेदारी ये भी रहेगी कि वो खुद भी थोड़ा पढ़े। बिल्कुल, अब मैंने आपको पहले बोला को तो बंदर होते हैं, अगर आप मोबाइल पे रहेंगे तो वो भी रहेंगे, आपके हाथ में किताब होगी तो उनके हाथ में भी किताब होगी कि भाई जरूर इसमें कुछ अच्छा है जो मम्मी और पापा हमारा सारा दिन वो रहते हैं। और मैं ये भी कहना चाहूंगी कि पेरेंट को दो तीन बातों पे बहुत ध्यान देना चाहिए। पहला, नो कंपैरिजन। कभी भी आप किसी बच्चे के साथ कंपैरिजन, क्योंकि एवरी चाइल्ड इज यूनिक, हर स्टूडेंट अलग है ना। एक और दूसरा कि उसको फोर्स मत करिए कि आपको ये नहीं ये करना चाहिए, बल्कि आप उसके इंटरेस्ट के साथ आपको जाना चाहिए। जी जी। और मेक देम क्वेश्चनिंग माइंड, उनको प्रश्न क्यूरियस बनाइए। हाँ, क्यूरियस बनाइए, जितना आप क्यूरियस बनाएंगे उनको रोकिए मत। क्योंकि अगर मैं अपनी बात करूँ तो हम कई बार पूछते थे, हमारी मम्मी बोलती थी कि रात में नाखून नहीं काटना है, तो हम पूछते थे क्यों, तो वो नहीं बोलती थी कि नहीं ठीक है नहीं काटना है ना। लेकिन अब हमें अगर हम लॉजिक देखें तो हमें ऐसा लगता है कि पहले जमाने में जब उनको सिखाया गया था तब लाइट नहीं होती थी और कट जाता होगा हाथ, आज तो लाइट है। तो आप जो आंसर करें साइंटिफिक एंड लॉजिकल, वो दोनों होना चाहिए। और बिल्कुल आप इरिटेट ना हो और पीछे ना हटें। अगर आपको नहीं आता है गूगल करें, गूगल नहीं आता है टीचर से पूछें, लेकिन आप उनको जरूर। तो बच्चा भटकता कब है, जब उसको अपने आंसर नहीं मिले। सही बात है, है ना। तो और एक बहुत अच्छी बॉन्डिंग बनाएं कि कुछ भी हो और गलती पे कभी भी ऐसा डराइए मत कि अरे गलती कैसे हो गई, अप्रिशिएट कीजिए कि आपने किया, कोशिश किया इसलिए गलती हुई। तो आगे वो आपका भी जीवन बहुत सुखी रहेगा और बच्चे का भी जीवन बहुत सुखी रहेगा कि कोई तो है मैं अपनी बात कह सकता। ममता जी, आपने वैसे तो बातों बातों में पेरेंट की बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी सारी टिप्स दे दी, लेकिन फिर भी अगर आप अंत में कोई एक बात बताना चाहते हैं हमारे श्रोता दोस्तों को, क्या बताएंगे? मैं यही बताऊंगी कि बच्चे को दोस्त बनाइए अपना जी, और उसके साथ आज हालांकि ऐसा सिस्टम हो गया है, ऐसा परिस्थितियां हो गई हैं कि माँ बाप को बहुत कम टाइम मिलता है, लेकिन आप अपने बच्चे के साथ बैठिए, हर हाल में वो आपकी जिम्मेवारी है, आप उसको इस दुनिया में ले आए हैं तो आप उसको समय दीजिए, आप अपनी सारी बातें उनसे बताइए और उनकी सारी बातें सुनिए। आज का जो सबसे ज्यादा यही महत्वपूर्ण है कि आप शेयरिंग बहुत जरूरी है जी। तो एक शब्द जो है क्वालिटी टाइम, वो यहाँ बहुत ही मायने रखता है, जरूरी है। बच्चे के स्कूल जाइए, छुट्टी ले लीजिए उस दिन, पेरेंट टीचर मीटिंग में जाइए, वहां पे टीचर आप बच्चे को क्या ऑब्जर्व करती है, क्योंकि आपका बच्चा टीचर के पास ज्यादा रहता है तो आपको ज्यादा बता पाएगी, तो वहां आपके अपने बच्चे की कमियां और खूबियां दोनों आपको पता चलेंगी। और वहां जाइए और उस तरीके से अपने बच्चे के साथ एक अच्छा नागरिक बनाइए। बहुत अच्छा ममता जी, आपने बातों बातों में बहुत अच्छी बातें बता दी, आपका शुक्रिया और आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। कॉफी हाउस हमने जब सांभळी रह्या था थोड़ीक मौज थोड़ीक मस्ती थोड़ीक वातो अने थोड़ीक मुलाकातों नो मंच कॉफी हाउस।